हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, दैट टू विदाउट यूजिंग एनी डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर लाइक फोटोशॉप। हम आज स्नैपसीड में डबल एक्सपोजर कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले डबल एक्सपोजर क्या है वो समझ लेते हैं। जैसे ये इमेज, दिस इज कॉल्ड डबल एक्सपोजर। जब हम सेंसर को मोर देन वंस एक्सपोज करते हैं एक इमेज में, वी मिक्स टू टू थ्री इमेजेस, दैट इज कॉल्ड डबल एक्सपोजर। तो ये आप वाइल्ड शूटिंग कैमरा से भी कर सकते हो या फिर बाद में एडिट करके भी कर सकते हो। तो ये स्पेसिफिक इमेज मैंने फोटोशॉप में की थी और इसको करने में बहुत टाइम लगा था, लेकिन जब मैंने उसको स्नैपसीड में ट्राई किया तो इट टुक ऑलमोस्ट 5 to 10 minutes, एंड मुझे लगा कि मैंने फालतू में इतना टाइम वेस्ट किया है। चलो देखते हैं इसको स्नैपसीड में रिक्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए स्नैपसीड में, लेट्स इंपोर्ट द इमेज। तो हम इसको कंपेयर भी करेंगे, वी विल ट्राई टू मेक इट एज सिमिलर टू द इंस्टाग्राम इमेज आई क्रिएटेड। सो दिस इज द इमेज। तो यहाँ पे मैं पहले तो इसको क्रॉप करूँगा, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एंटायर इमेज टू बी शोन। आई विल क्रॉप इट आउट जितना मुझे चाहिए उतना। थिंक दिस इज गुड। एंड ये इमेज जो है, इसमें से हम जो बॉडी है उतने पार्ट में हम दूसरी इमेज एक्सपोज करने वाले हैं। सो वी जस्ट नीड क्लियर कॉन्ट्रास्ट बैक आउटलाइन ऑफ द बॉडी। सो वी विल इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट, और शर्ट पे या फिर बॉडी पे जहाँ जो भी टेक्सचर है उससे हमको कुछ नहीं लेना देना नहीं है। सो वी विल जस्ट हाइड इट बाय इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस। सो मैंने अभी उसको फुल कर दिया कॉन्ट्रास्ट को। ओके आई थिंक दिस इज गुड, डन। फिर उसके बाद आपको टूल्स में जाना है एंड डबल एक्सपोजर आपको एकदम लास्ट में दिखेगा, क्लिक ऑन इट। वहाँ पे उसके बाद इमेज आपको दूसरा जो है इम्पोर्ट करना है, विच इज दिस इमेज। सो लेट्स इम्पोर्ट एंड प्लेस इट, लेट्स चेक द पोजिशन। ओके यार मोस्ट राइट। बेसिकली ये इमेज मैंने क्रिएट किया था टू डिपिक्ट द फ्रीडम। फ्रीडम ये फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए मैंने इसको एडिट किया था। सो द सेकेंड इमेज जो हम डाल रहे हैं इसमें, इट काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट्स फ्रीडम। ओके नाउ आपको यहाँ पे ये जो दूसरी इमेज डाली वो सिर्फ बॉडी पे चाहिए, राइट? तो यहाँ पे कुछ ब्लेंडिंग मोड्स है, जैसे डिफॉल्ट लाइटन डार्कन। सी अगर मैं डार्कन करता हूँ तो बॉडी छोड़ के बाकी सारे एरिया पे वो आ रही है। ओके सो वी नीड लाइटन, ठीक है? सो दैट सिर्फ बॉडी पे उसका जो भी इफेक्ट है सिर्फ बॉडी पे आए, ठीक। तो विद दिस वी, यहाँ पे थोड़ा स्पिल हो रहा है बॉडी के बाहर भी, बट दैट इज हार्डली नोटिसेबल। सो मोबाइल पे तो वो किसी कोई नोटिस भी नहीं करेगा, बट बॉडी पे अभी एक्सपोज हो रहा है प्रॉपरली। ओके अभी यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है बॉडी का वो बहुत डार्क है, ब्लैकिश है, और वहाँ पे थोड़ा बॉर्डर टाइप भी दिख रहा है। तो आई एड वन मोर इमेज टू यू नो हाइड दैट और टेक केयर ऑफ दैट। ये जो है ये सेकेंड इमेज है मेरी जो मुझे चाहिए वहाँ पे। ओके लेट्स जूम इट इन। चेक द रेफरेंस। ओके दोनों मिक्स हो गई है वहाँ पे एक पॉइंट। सो वी डू द सेम। ऑलराइट नाउ इसका भी हम चेक करते हैं ब्लेंडिंग मोड कैसा हमको चाहिए। और ये जो इमेज हम दूसरी वाली डाली है वो थोड़ी मुझे डार्क चाहिए, लाइक उसने मेरे मेन जो ऊपर वाली इमेज है उससे थोड़ा डी फोकस नहीं होना चाहिए व्यूअर, इसलिए मैं इसको माउंटेन वाली इमेज को थोड़ा डार्क करता हूँ, सो दैट हार्ड थोड़ा हार्डली नोटिसेबल हो।
ओके अभी क्या हो रहा है कि ये बॉडी के बाहर जा रही है इमेज, तो हमको इसको मास्क करना है। ये हम ब्लेंडिंग मोड से तो अभी वो अचीव हो नहीं रहा है, सो वी विल व्हाट वी विल डू, वी विल ओके इट। ठीक है, अभी ये बाहर जा रहा है। उसके बाद आपको ये जो अंडू का बटन है उसको प्रेस करना है और व्यू एडिट्स में जाना है। तो ये सेकेंड अपना सेकेंड जो डबल एक्सपोजर है उस पर क्लिक करना है और एडिट द डबल एक्सपोजर। तो अभी ये क्या होगा कि सिर्फ बॉडी पे आपको ब्रश घुमाना है। ठीक है, जहाँ पे आप ब्रश घुमाओगे वहाँ पे आपको माउंटेन का इमेज दिखने लगेगा, दैट इज मास्क। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको केयरफुली करना पड़ेगा, तो मेक श्योर यू आर जूम्ड इन। ठीक है, तो उतने ही पार्ट पे हमको वो चाहिए जो इमेज माउंटेन का है, और ये भी ऐसा चाहिए कि स्मूथली दोनों ब्लेंड हो, ऊपर वाली और नीचे वाली इमेज। सो मेक श्योर कि आप केयरफुली इसको करो। ओके, अभी थोड़ा बॉर्डर पे थोड़ा सा रह गया है, वी विल कवर दैट एज। बस बॉडी के बाहर नहीं जाना चाहिए, जो आपने बचपन में कलर फिल किया होगा ना वो स्किल्स आपको यहाँ पे काम आएंगे। ऑलराइट, ठीक है, अभी ये हमारा बॉडी का नीचे वाला पार्ट भी प्रॉपरली एक्सपोज्ड हो गया। इसके बाद आई टू गो बैक, टूल्स में जाना है, फिर थोड़ा सा वापस से ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट या जो भी मुझे जैसा चाहिए इमेज। ये एक अच्छा फील दे रहा है इमेज को, बिकॉज इसमें बैकग्राउंड भी थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है बिकॉज ऑफ द पैरामीटर्स हमने जो सेट किए। इफ यू सी वी आर ऑलमोस्ट मैच्ड इट। बस इसमें जो मैंने बर्ड्स वगैरह दिख रहे हैं वो ऊपर से डाले, दैट डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट, बट अगर हम देखेंगे इफ यू लॉन्ग प्रेस दिस, ठीक है, अगर आप प्रेस करके देखोगे तो पहले ऐसा इमेज था, नाउ वी हैव अचीव डबल एक्सपोजर। ठीक है, जस्ट गो एंड एक्सपोर्ट इट, सेव इट। सो दैट्स इट, बहुत ही शॉर्टकट एडिटिंग प्रोसेस थी स्नैपसीड में, एंड बट इंटरेस्टिंग थी। आप किसी लाइक बोरिंग फोटो को जो सनसेट के टाइम पे लिया है जहाँ पे सिर्फ आपकी बॉडी दिख रही है दैट टू ब्लैक, तो आप किसी दूसरे फोटो को एक्सपोज करके उसको बहुत ही मस्त बना सकते हो। तो दैट्स इट फॉर नाउ, एंड आई सी यू विथ समथिंग न्यू नेक्स्ट टाइम। बाय।